फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्पीड कंट्रोलर बना के दिखाऊंगा। फ्रेंड्स इस स्पीड कंट्रोलर को आप किसी भी डीसी मोटर में या एलईडी में यूज कर सकते हैं और इसे आप 1 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट इजीली यहां पर चला सकते हैं। तो इसे किस तरीके से बनाना होगा सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो यहाँ पर मैं एक 10K का वॉल्यूम ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट की डीसी मोटर ले रहा हूँ, देख पा रहा हूँ यहाँ पर, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक वायर यूज कर रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वायर को बीच में से कट कर देता हूँ, जो ब्लैक वाला वायर है, देख पाऊँगा यहाँ पे। तो इसका मैंने कनेक्शन कर दिया है यहाँ पे। इसका पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 पे मैंने ब्लैक वाला वायर के दोनों पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट कर दिए बीच में से काट के, और एक बार हमें सीधा का सीधा रहने देना है। तो इन दोनों पॉइंट पर हमें डीसी मोटर या एलईडी आपको लगा देनी है। तो मेरे पास यहाँ पर 3.7 वोल्ट की बैटरी है, तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पर हमारी 12 वोल्ट की मोटर है, तो इससे ये थोड़ा स्लो घूमेगी। तो मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ों पर चेक करके दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मोटर में इस तरह की एक प्रोपेलर लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके इसकी स्पीड के बारे में। तो चलिए अब इसे चेक करके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो मोटर है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर कंट्रोल हो रही है। इसकी जो स्पीड है वो आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी जो मोटर है वो इसलिए स्लो घूम रही है क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 12 वोल्ट की और बैटरी हमारी 3.7 वोल्ट की, तो आप इसमें 12 वोल्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे एक एलईडी पे चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे पास एक 12 वोल्ट का जो बल्ब होता है, चलिए मैं आपको इसे भी चेक करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देख पाऊँगा यहाँ पे आपको इसका एलिमेंट यहाँ पे बिल्कुल स्लो जलता हुआ नजर आ रहा होगा। तो इस टाइम हमारा जो बल्ब है वो 12 वोल्ट का है, इसलिए 3.7 वोल्ट से अच्छे तरीके से यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। मैं आपको एलईडी पे भी चेक करके दिखाऊँगा, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आप इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये अच्छे तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। यहाँ पर 3.7 वोल्ट से आपको 3.7 वोल्ट ही चलाना है। तो देख पाऊँगा यहाँ पे मेरे पास एक 5 वोल्ट का एलईडी बल्ब है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसे। तो आपकी इसकी ब्राइटनेस यहाँ पे बिल्कुल स्लो से हाई तक जाती हुई नज़र आएगी। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो स्पीड कंट्रोल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। आप इसे एलईडी में या डीसी मोटर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं, सिर्फ आपको एक ही कंपोनेंट यहाँ पर चाहिए इसे बनाने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत है या आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।